अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फेस की मसाज। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एलमंड ऑयल लिया है और जी ये मैंने मसाज स्टार्ट की है क्योंकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है, तो ऐसे मौसम के लिए ये बहुत अच्छा रहता है एलमंड ऑयल। तो जी यहाँ जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं ये वाले इस तरह से एंगल्स को, क्योंकि मसाज करने से क्या होता है कि आपके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं और ऑयल जो है वो प्रॉपर तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जॉ लाइन के लिए आप इस तरह से मसाज करें ये जैसे मैं कर रही हूँ, और ये चीक बोन्स के लिए, लिप्स पर भी ना भूलें, लिप्स पर भी ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको कोई भी क्रीम ले लेना है या मॉइस्चराइज़र हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए उसके बाद मैंने ये क्रीम लगाया है। तो इस तरह से हम अपने फेस की मसाज कर लेंगे और देखिए होने के बाद काफ़ी ये चेंज लगता है, फेस अच्छा लगता है। नेक को बिल्कुल ना भूलें, नेक पर ज़रूर लगाएं, आगे पीछे सब जगह, अपने कानों के आसपास इन पर भी ज़रूर लगाएं, वरना वो जो दो शेड नज़र आते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं ये टिंट खोल रही हूँ पर मेरे से खुल ही नहीं रहा है ये नहीं खुला तो फिर मैंने वीडियो ऑफ की और टिंट अप्लाई किया थोड़ा सा। अच्छा फाउंडेशन वगैरह बेस मैंने नहीं लगाया था, फाउंडेशन या जो प्राइमर वगैरह होता है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर मुझे आसपास जाना होता है तो बस ये टिंट से ही मैं अपना कर लेती हूँ। तो ये लिप्स पे लगाया, थोड़ा चीक्स पर लगाया था मैंने, और ये थोड़ा सा हाईलाइट किया था, बहुत लाइट सा शेड था ये, बहुत ही मतलब प्याजी पिंक जैसे होता है ना वो वाला शेड। तो बस ये हल्का सा हम लगा लेंगे और हम रेडी हो जाएंगे। अच्छा मेकअप से पहले ना अगर हम थोड़ा सा स्किन को पैम्पर कर लेते हैं तो मेकअप भी अच्छा होता है, नहीं तो वो ड्राई स्किन पे जब हम मेकअप करते हैं तो वो अलग ही नज़र आता है। तो ये स्किन में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है स्किन केयर, तो अब हम चलते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए कैसी लगी मेरी ये वीडियो। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।